हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराग साहू, फाउंडर ऑफ नेचर फार्मा क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, ड्रग एंड डिसीज इन्फॉर्मेशन सेंटर, जबलपुर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि साइड इफेक्ट के बारे में, कि मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं और एविडेंस बेस्ड साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, कि जो अभी तक करंट रिसर्च हुई है उसके बेसिस पे जो तमाम मॉडर्न मेडिसिन है उनके बारे में हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें अवेयर होना जरूरी है कि हम भी कोई भी ड्रग हो उसके बारे में जान लें, उसके बाद ही उसका यूज़ करें, उस पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ करें। बिकॉज सीरियस साइड इफेक्ट से साइड इफेक्ट तो होते ही हैं और लॉन्ग टर्म में डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ एक कॉमन, वेरी कॉमन ड्रग्स, पैरासीटामोल के बारे में, कि पैरासीटामोल जो जनरली हम पेन किलर के लिए, फीवर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, यदि हम किसी फिजिशियंस की कंसर्ट पे या किसी क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स की कंसर्ट पे यदि हम नहीं लेते हैं, ड्रग रेशनल ड्रग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके कितने मेजर साइड इफेक्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म में कितने हार्मफुल इफेक्ट इसके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा एजुकेशन, एजुकेटेड होना कितना इम्पोर्टेंट है इन करेंट सिनेरियो। बिकॉज फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि फार्मेसी शॉप से कई लोग दवाएं खरीद खरीद के रख रहे हैं और उसका उस मेडिसिन को बेवजह ले रहे हैं, साइड इफेक्ट को या उसके बारे में ना जानकर। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, यहां पे मैं पैरासीटामोल ड्रग्स की बात करूंगा, जो एक ड्रग की क्लास है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स की क्लास की ड्रग है, जो NACIDS के अंदर आती है। इसके यूज़ यदि हम देखें तो हमको सभी को पता है कि इसके यूज़ जो है, पेन, फीवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, हेडेक, डेंटल पेन, आर्ट्रियोसिस में भी यूज़ होती है। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि देखा जाए तो एसिटामिनोफेन, इसके जो दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन है, एनएसिटाइल पैरामिनोफिनॉल्स एंड कालपोल, इस नाम से ये मार्केट में चलती है। ये इसके जेनरिक नेम है, आप ब्रांड नेम से कुछ भी नाम से हो, बहुत सारे ब्रांड नेम है तो इंडिया में बहुत सारे ब्रांड नेम के हिसाब से चलती है, लेकिन हम इसका जेनरिक नेम के नाम से इसको देखेंगे। इसके जो साइड इफेक्ट हैं, आप देख सकते हैं कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये एक खतरनाक स्किन डिसऑर्डर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है। साथ में ये अदर से लोग कॉमन स्किन डिसऑर्डर भी कॉज करता है, और साथ में अस्थमा और विजिंग, जो छोटे बच्चे हैं, जो जिन बच्चों को बहुत कम उम्र है उनकी या इन्फेंट हैं, यदि उनको देते हैं तो इनमें अस्थमा एंड विजिंग देखा गया है। साथ में दोस्तों, ये किडनी डैमेज करती है, यदि हम इस ड्रग को लगातार लेते हैं तो किडनी डैमेज करेगी। साथ में आप देखिए, इसमें यदि इसको लेते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण डार्क यूरिन एंड फीसिस भी डार्क हो जाती है, मतलब ब्लैक कलर की यूरिन भी दिखेगी, ब्लैक रेडिस कलर की, एंड फीसिस भी बहुत डार्क कलर की दिखेगी। देन उसके बाद किडनी कैंसर भी हो सकता है, यदि लॉन्ग टर्म में हम इस ड्रग को लेते हैं तो किडनी कैंसर रिपोर्टेड किए गए हैं। ब्लैडर कैंसर भी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये ब्लैडर कैंसर कॉज करती है। यदि ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट की बात करें हम, कि यदि बहुत छोटे बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो उनको मैक्यूलो पैपुलर रैशेज दिखे हैं, मतलब स्किन से रिलेटेड रैशेज दिखे हैं। दूसरी बात, इस गैस्ट्रिक में रैशेज दिखे हैं, गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन साइड में उनको छोटे छोटे रैशेज दिखाई दिए। देन उसके बाद टॉक्सिक इपिडर्मल नेक्रोसिस होता है यहाँ पे, कि टॉक्सिक इपिडर्मल नेक्रोसिस क्या होगा, कि आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों की जो स्किन है वो बिल्कुल ऐसे निकलती है जैसे बिल्कुल हम हाथ से उसको यदि निकालें तो वो स्किन पूरी निकल आती है, तो बहुत ही ब्लैक इस कलर की होती है, और इसको बोलते हैं टॉक्सिक इपिडर्मल नेक्रोसिस। तो ये पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एंजियोएडेमा, यदि एंजियोएडेमा की हम बात करें तो ये भी एक टाइप की डिसीज है एंजियोएडेमा। उसके बाद डैमेज टू लीवर, तो ये कॉमन बात है कि ये क्या करती है, किडनी को डैमेज करती है, साथ साथ लीवर को डैमेज करती है विथ इन्फ्लामेशन। तो मतलब यदि आप इसको एक दो दिन में भी ले रहे हैं तो ये क्या करेगी, इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। इन्फ्लामेशन क्या होगा, कि इन्फ्लामेशन आपकी लीवर में हमेशा इन्फ्लामेशन बना रहेगा और लीवर डैमेज होगा। आगे हम यदि देखेंगे तो
ये एलएफटी ग्रिज की बात कर रही है, मतलब कि यहाँ पे जो लीवर फंक्शंस हैं, जितने भी लीवर फंक्शन होते हैं, मतलब आप कोई भी खाना खाएंगे तो उसके लिए क्या होगा कि एक हमारा लीवर फंक्शन होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव करने के लिए आते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी, फूड को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए काम आते हैं लीवर के पूरे फंक्शंस। तो यहाँ पे वो लीवर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, साथ में एक्यूट लीवर फेलियर, मतलब यहाँ पे एक अचानक से आपका लीवर फेलियर कर देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा और फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी रिलेटेड टू लीवर। साथ में रिड्यूस ब्लड प्लेटलेट्स, तो मतलब ये जो ड्रग है यदि हम फीवर में लेते हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स को कम करता है, मतलब आरबीसीज जो है उसको कम कर देता है कॉजिंग डेथ, और इससे डेथ भी हो सकती है लॉन्ग टर्म में, यदि बहुत ज़्यादा ब्लड प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो गई तो डेथ भी देखी गई है। डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें तो हमारे बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं या कोई फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो हमारे सोल्जर टाइप, जैसे हमारे देश में सोल्जर्स होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज होती हैं जो एक बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को या तुरंत के लिए एक अटैक करती हैं, जिसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बोलते हैं। वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स को भी ये क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं और ग्रेनुलोसाइट्स को भी रिड्यूस करती हैं। यदि आगे देखें तो ये वोकल कॉर्ड स्वेलिंग, मतलब कि जहाँ से हमारा ये मैं बात कर रहा हूँ तो ये वोकल कॉर्ड है जहाँ से हमारी वेव्स बनती हैं या तरंगे बनती हैं, वॉइस तरंगे बनती हैं, तो उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। तो वहाँ पे ये कंटिन्यूस स्वेलिंग करती है जिसके कारण लॉन्ग टर्म में हम अच्छे से हमारी वॉइस डिस्टर्ब हो सकती है, वॉइस बॉक्स डिस्टर्ब हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं वॉइस रिलेटेड। कॉमनली हमने देखा है कि इसको खाने के बाद हेडेक हो सकता है, रैशेस टाइप के दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में इंटरनल ब्लीडिंग, तो इंटरनल ब्लीडिंग का एक हमने कॉज देखा था कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण क्या हो रहा है, डार्क यूरिन एंड फीसेस, तो ये बात का है। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग क्या है कि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग की, ये इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के कोई भी पार्ट हो वहां पर क्या होगा, डैमेज कर देगा, अल्सर कर देगा और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। तो इसके कारण भी बहुत जो बुजुर्ग होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं या कोई यंग भी हो, तो यदि उसकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रही है और उसने यदि कोई मेडिसिन पैरासिटामॉल मेडिसिन ली तो उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और जिसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी उसकी उसका ही पार्ट है कि गैस्ट्रिक स्टमक में उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और माउथ के थ्रू वॉमिटिंग के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जॉइंटिस देखा गया है क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे लीवर को डैमेज कर रहा है और लीवर में यदि लीवर फंक्शन को एलएफटी को डिस्टर्ब करता है तो वहां से जॉइंटिस प्रोड्यूस होता है और जॉइंटिस बहुत हार्मफुल बीमारी है हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा सॉइलिंग आ जाती है, पूरा येलो येलो पार्ट पूरे बॉडी येलो येलो हो जाती है और डेथ भी हो जाती है। फिर देन हाइपोटेंशन की बात करें, मतलब यदि हम मेडिसिन ये पैरासिटामोल जो है कॉमन हम फीवर में लेते हैं, यदि हम इसको लगातार लेते रहे तो ये क्या करेगा, लो ब्लड प्रेशर कॉज करेगा और ब्लड प्रेशर को बिल्कुल लो कर देगा और जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज इससे भी कॉजिंग डेथ होती है। लो ब्लड प्रेशर से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे क्या होगा कि बहुत ज्यादा हमें दूसरी बीमारियों की प्रॉब्लम्स होने लगेगी। उसके बाद अरिदमिया हो जाता है, अरिदमिया स्वाभाविक सी बात है कि यदि लो ब्लड प्रेशर होगा तो जो हमारी बॉडी में रिदम है बॉडी में रिदम है, मतलब हार्ट की वजह से एक रिदम है, हार्ट हार्ट की वजह से, तो वो क्या करेगा कि एक अरिदमिया कॉज कर देगा कि हार्ट की जो पंपिंग है वो सही तरीके से नहीं पंप होगा और जिसके कारण क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन वही फर्दर क्या होगा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा और उसके कारण क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन के कारण ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी बॉडी से और दूसरी बीमारियां कॉज होंगी और साथ में अरिदमिया होने से क्या होगा कि हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी होगी, कुछ ही दिनों बाद हार्ट की बीमारी और हार्ट की प्रॉब्लम से हम गुजरने लगेंगे, चाहे वो हार्ट अटैक हो या चाहे वो कोई ब्लॉकेज वगैरह हो, वो भी पैरासिटामोल कॉज कर सकती है लॉन्ग टर्म में। यूटिकेरिया की यदि हम बात करें तो यूटिकेरिया क्या होगा, हिप्स बोलते हैं इसको, यूटिकेरिया मतलब अब नॉर्मल फंक्शनिंग इन इम्यून सिस्टम, तो इम्यूनिटी सिस्टम को अब नॉर्मल हो जाएगी जिसके कारण क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा
एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होने लगेंगी। तो जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, देखा होगा आपने, पूरा एलर्जी एलर्जी पूरा रेडनेस आने लगती है पूरी बॉडी में। तो ये कॉमन, बहुत कॉमन है, ये हमेशा देखा गया है। इसलिए पैरासिटामोल को हमें स्टॉप करना है, पैरासिटामोल को अब नहीं खाना है, बिकॉज इतने सारे साइड इफेक्ट हैं। उसके बाद लो फीवर की यदि हम बात करें, तो ये ड्रग जो है हम फीवर में यूज करते हैं। आपने देखा होगा यूज में, हम इसको फीवर में पेन में यूज कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको यदि लेते हैं, लगातार हम लेते हैं, तो आपको एक कंटिन्यूसली हल्का फीवर बना रहता है, तो वो इस ड्रग के कारण होता है लो फीवर। तो ये भी बहुत काफी हार्मफुल है। उसके बाद नौजिया, आप लेंगे इसको तो अचानक एकदम से आपका पूरा गैस्ट्रिक डिस्टर्ब हो जाएगा और वॉमिटिंग टाइप आपको लगेगा, मितली टाइप का लगेगा, और नौजिया भी इसको बोलते हैं। स्टमक पेन, कई बार देखा गया है कि लेते से ही बच्चों में, अधिकतर बूढ़े लोगों में, वो जेडेट्रिक्स में, पेडेट्रिक्स में यदि हम इस ड्रग को लेते हैं तो स्टमक पेन होता है एकदम से, और वही कारण है कि स्टमक पेन के बाद गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो जाती है और देन सडन डेथ भी हो जाती है। यदि हाई डोज पे हम लेते हैं तो गैस्ट्रिक पेन भी होता है, और कई बार लो डोज पे भी देखा गया है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यदि इस ड्रग को हम लगातार देखें तो आपको भूख नहीं लगेगी और आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, मतलब कि लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण क्या होगा, लीवर में ये लीवर को डैमेज कर रहा है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक बेटर न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण अल्टीमेटली हम बीमार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम ध्यान दें कि पैरासिटामोल जब इतनी हार्मफुल दवाई है तो, या मेडिकेशंस है, ड्रग्स है, तो हम इसको बंद कर दें, जितने जल्दी हो सके इसको बंद करें, इसको यूज ना करें। हम काफ़ी सारी इसकी अल्टरनेटिव्स न्यूट्रिशन में है, और दूसरी जगह भी पेन को रिलीफ करने के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, उसका हम यूज़ करें। पैरासिटामोल को अननेसेसरी, बिना फिजिशियंस के, बिना एक्सपर्ट के, बिना क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स के, यदि आप शॉप पर भी जाएं, यदि कोई ड्रग आप ले रहे हैं तो वहां पे आप देखें कि कोई क्वालिफाइड क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हाईली एजुकेटेड पर्सन बैठा है कि नहीं बैठा है। यदि नहीं बैठा है तो आपको उस फार्मेसी शॉप से मेडिसिन नहीं लेनी है, एक अनएजुकेटेड पर्सन से मेडिकेशंस नहीं लेने हैं। आप वहां पहले समझें, अपनी काउंसलिंग कराएं, देन उस ड्रग को ले, तो आपकी जो हेल्थ है इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आप एक अननेसेसरी पॉइजन खाने से बचेंगे। तो ये मेरा मोटिव है, जहां पे आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड करना। हमारे देश में ये ड्रग चल रही है, दुनिया के 194 कंट्रीज में से कम से कम 90 या 100 कंट्रीज में ये ड्रग अभी भी बैन है और इस ड्रग को कोई नहीं लेता है। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे हमेशा हर कोई ड्रग चलती है, जो कि एक हमारे लिए पर्सनल लाइफ में यदि देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है। कि यदि कोई ड्रग बैन की है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल को आपने देख लिया हुआ कि इतने सारे साइड इफेक्ट होने के बाद भी ये यहाँ पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में सोचना है। हो सकता है मार्केटेड वैल्यू इसकी ज़्यादा हो, इसके रिस्पांस अच्छे हो, इसलिए चल रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इसको अवेयरनेस देखते हुए इस ड्रग को स्टॉप करना है। वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि कितने मेजर साइड इफेक्ट हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे इस मिशन में मेरा साथ दें। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव और न्यू अदर कोई ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस ये वीडियो कैसा लगा आप इस बारे में मुझे हमें बताएं। और हमारे इस मिशन में जो औषधि जागरूक समाज और स्वस्थ भारत, जो कि ड्रग अवेयरनेस सोसाइटी एंड हेल्दी इंडिया है, इस मिशन में मेरा ज़रूर साथ दें और हम एक स्वस्थ भारत की ओर बढ़ें, यही मेरा सपना है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।